ਜਸ਼ਨ ਦੀ सास। लेकिन मेरी होने वाली सास तो जन्नत सुधार चुकी है। ज़ुहैर, तुम अभी तक पड़े सो रहे हो? यार कल तो पेपर्स खत्म हुए, बंदा सो के खुशी भी ना मनाए। वाओ, सोकर खुशी मनाते हुए मैंने सिर्फ तुम्हें ही देखा। तो और क्या करूँ, प्लीज सोने दो ना थोड़ा सा। खबरदार जो सोए। चलो उठो शराफत से, एग्जाम्स की वजह से इतने दिनों से नहीं मिले हम। उठता हूँ यार, अभी सिर्फ 9 बजे सुबह के। हाँ तो देखो ना, 9 बज रहे हैं और अभी तक तुम बिस्तर पे पड़े सो रहे हो। कितनी जालिम हो तुम यार, इतने दिन बाद तो ढंग से सोने का मौका मिला, किस जुर्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? ठीक है तो तुम सो जाओ, मैं फोन रख रही हूँ। बाय। हेलो ताबा। हेलो, क्या है अब? भी अच्छा, एक सोते हुए बंदे को उठा के पागल कर दिया और अब खुद जा रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा था ना मेरा उठाना, तो सो अब। वैसे एक बात बताओ, क्या शादी के बाद भी इसी तरह लड़ा करोगी तुम मुझसे? शादी? कौन कर रहा है तुमसे शादी? खबरदार जो शादी से इनकार किया तुमने, वरना तुम्हें भी मार दूंगा और खुद को भी। अरे बस जरा सी बात पर मरने मारने पर तैयार हो जाते हो। ये जरा सी बात लग रही है तुम्हें? मेरी पूरी जिंदगी की कहानी है यार ये। अच्छा अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है? अच्छा नहीं होता। ये तो बताओ तुमने इतनी सुबह फोन क्यों किया? माइंड यू, सुबह फजर के वक्त होती है जो आप रोज सोकर गुजारते हैं। अच्छा बस कर दो, बाकी लेक्चर शादी के बाद देना। मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर तो तुम कल अपने घर चले जाओगे। देखो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए वहां तो जाना पड़ेगा। तो जाओ, किसने रोका है तुम्हें? इस बार अगर तुम रोकोगे भी ना तो भी नहीं रुकूंगा। तैयार हो जाओ, आधे घंटे तक आ रहा हूँ। कहाँ? क्या तुम्हारे साथ चलना अच्छा लगता है मुझे। ओके। तुम्हें पता है मुझे यहाँ आना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि तुम्हें समंदर पसंद है इसलिए। हाँ मुझे समंदर पसंद है, यहाँ की गीली हवा पसंद है, रेत पसंद है और तुम्हारे बिखरे हुए बाल। क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें ये इख्तियार हासिल नहीं है। क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारे बिखरे बालों को समेट नहीं सकता? दोस्ती की कुछ हदें होती हैं ज़ुहैर, और मुझे उनमें रहना पसंद है। मेरा दिल चाह रहा है मैं इसी वक्त वापस चला जाऊं। क्यों भाई, तुमने कब तक मेरा दोस्त रहना है? अब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखा जा। अच्छा एक तो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती, जब भी ये बात सुनती हो पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता। अजीब सा लगता है मुझे लव्स। अजीब सा क्यों लगता है? क्या तुम मेरी दुल्हन नहीं बनना चाहती? hey,
बताओ ना। फजूल बातें बहुत करनी आती है तुम्हें। मुझे तो प्यारी बातें करने भी बहुत आती है, मौका तो दो। अच्छा छोड़ो ना, पता है सुबह से एक कप चाय पी, मुझे बहुत भूख लग रही है। और मैंने तो वो भी नहीं पी जल्दी आने के चक्कर में। वैसे पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब तुम अपने हाथों से मेरे लिए नाश्ता बनाए करो। वैसे वो वक्त कभी आने वाला नहीं, क्योंकि मुझे काम वाम की आदत नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेरे सारे काम तुम किया करोगी, बल्कि मैं करवाऊंगा तुमसे। मेरे कपड़े धोना, नाश्ता बनाना, कपड़े इस्त्री करना, मेरा कमरा साफ करना, एवरीथिंग। अच्छा, यानी शादी के बाद तुम्हारे घर में मुझे मासी की नौकरी मिलने वाली है। तुम एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, तो मैंने तुम्हें देखते ही पता मेरे दिल से क्या आवाज निकली थी। क्या? वाह यार, कितनी खूबसूरत मासी है। जुहैर कल दोपहर में लंच टाइम तक पहुंच जाएगा, सारी चीजें उसकी पसंद की बनाना। अच्छा सुनो, तुम उसका कमरा ना अच्छी तरह से साफ कर देना। पहले भी आया था ना तो शिकायत कर रहा था कि मेरी सारी चीजें इधर उधर हो गई। जी बेगम साहब, वो पिछली बार तो बुआ जी ने कमरा साफ करवाया था, मैं तो उनके कमरे में गई नहीं थी। अरे बेवकूफ, यही तो समझा रही हूँ तुम्हें। तुम्हारी समझ में कोई बात आती भी है कि नहीं? जी बेगम साहिबा, मैं समझ गई। चलो ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और सब काम वक्त पर होने चाहिए। तौबा है, एक तो हजार बार समझाते रहो, इनकी समझ में नहीं कोई बात आती, अजीब है। खुदा की कसम बाजी, आपने सारे नौकरों को सर चढ़ाया हुआ है। अरे मैंने क्या सर चढ़ाया, निकम्मे हैं सारे। अगर इतने ही बुरे तो आप इन्हें निकाल क्यों नहीं देती, 10 नए नौकर आ जाएंगे। अरे नहीं नाइमा, पुराने मुलाजिम हैं, आजकल तो ईमानदार और अच्छे मुलाजिम मिलते ही नहीं हैं। बाजी मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, आप आज इन्हें निकालें ना तो हमारे गांव से ज़मीनों से ही 10 लोग आ जाएंगे हमारी मदद को। हाँ ये तो है, लेकिन नए आदमी को काम समझने में भी तो टाइम लगता है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ नताशा कहाँ है, नज़र नहीं आ रही मुझे। कहाँ हो सकती है, सुबह से जुहैर का कमरा साफ कर रही, पता जो है कि वो कल आ रहा है। सकीना। नताशा बाजी, जब किसी के कमरे में आते हैं तो दरवाजा नॉक करके आते हैं। अब ये भी तमीज तुम्हें मैं सिखाऊं? गलती हो गई बाजी, वो बड़ी बेगम साहिबा आपको बुला रही थी। तुम जाओ, मैं आ रही हूं। और सुनो, तुमने इस कमरे की सफाई नहीं की। मैंने तो की थी बाजी। क्या सफाई की, हर जगह डस्ट ही डस्ट है, तुम्हें नजर नहीं आई? मैं दोबारा कर देती हूँ। पहले मेरे लिए चाय बनाओ, बाद में सफाई करना। और सुनो, दोबारा किसी के भी कमरे में जाओ तो दरवाजा नॉक करके जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? नौकर लोग भी ना औकात भूल जाते। फजलदीन जी। बीबी जी। फजलदीन, ये गुलाब के पौधे कैसे जल गए? पता नहीं बीबी जी, मैं तो दिल से देखभाल करता हूँ इनकी, फिर भी जल जाते हैं। हाँ फजलदीन, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यहाँ तो अच्छे अच्छे इंसान चले जाते हैं, ये तो फिर बेचारे पौधे ही। बीबी जी, ये पौधे फूल और दरख्त भी जान रखते हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को दुनिया में जान देकर भेजा है ना, उसको एक ना एक दिन फना होना है। बेशक। अच्छा सुनो, कल जुहैर आ रहा है, उसके कमरे में अच्छा सा गुलदस्ता बना के रख देना। अपने जोनी में आ रहे हैं? हाँ। वाह बेगम साहिबा, फिर तो मैं उनकी पसंद के फूलों का गुलदस्ता बनाऊंगा, आप फिक्र ही ना करें। हाँ। अच्छा देखो, वो पौधे भी सूख रहे हैं, वहां पानी डालो सब। जी, जी भी।
तुम्हारे घर वाले मान तो जाएंगे ना? Of course, मेरी अम्मी मेरी कोई बात नहीं डालती। और अगर तुम्हारी अम्मी ने मुझे देखकर रिजेक्ट कर दिया तो? वैसे टू बी ऑनेस्ट इसके काफी चांसेस हैं। सोचो भाई, तुमने उनके इकलौते फरमाबरदार बेटे को फंसा लिया। What? मैंने फंसाया तुम्हें? आज तो बात करो, लोग देख रहे हैं यार। हाँ तो तुमने बात ही ऐसी की थी, मैंने तुम्हें फंसाया या तुम मेरे पीछे भागते रहे हो? एक ही बात। एक ही बात नहीं है। अच्छा यार, तुम जीत गई, पता नहीं बाद में मेरा क्या असर करोगी तुम। ठीक है फिर, मत करो अपनी अम्मी से बात। ऐसा हो सकता है मैं उनसे बात ना करूं? मैं जीना चाहता, अगर अम्मी से बात नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। बस इतनी सी हिम्मत है मुझसे लड़ने की? दो मिनट तो मेरी नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिजूल बातें मत करो, मुझे खाने दो। यार मैं कल जा रहा हूँ, तुम्हें नाश्ते की पड़ी हुई है। हाँ तो कल जा रहे हो ना, अभी से खाना पीना छोड़ दो। अगर मुझे वहां कोई और पसंद आ गई फिर? इम्पॉसिबल। ए, मेरे पीछे किसी और को पसंद मत कर देना। ऐसा लगता है तुम्हें? यही तो मजा है तुम लड़कियों का, घर वालों ने जिसको पसंद किया उसका हाथ पकड़ा और चले गए। ठीक है फिर। अरे इतनी जल्दी क्या है, नाश्ता तो कर लो। सोच लो जुहैर, अगर चली गई ना किसी और के साथ तो रोते रहना, ढूंढते रहना मुझे फिर। मजाक करो, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात याद रख, तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी से बढ़कर सीरियस हूँ। जानता हूँ, और तुम भी एक बात याद रखना, जितना तुम सीरियस हो ना मेरे बारे में, उससे तीन गुना ज्यादा सीरियस हूँ मैं तुम्हारे बारे में, समझी? मीना, इसे देखो यार, कितना ऑसम ड्रेस है। सॉरी, खुद ही देखो ये सारी चीजें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सारी चीजों में। कितनी बोर हो तुम, काश मैं ये ड्रेस लेकर आ सकती, सुनी के आने की खुशी में जो पार्टी हो रही है उसमें पहनती। इतनी हंसे से क्यों देख रहे हो, ऑर्डर करो घर पर आ जाएगा। अरे हाँ, वेरी गुड आइडिया, मैं इसे आज ही ऑर्डर करती हूँ। मुझे एक बात बताओ, जुहैर भाई के आने की ज़्यादा खुशी है इस ड्रेस की? कितना फजूल सवाल किया है तुमने, भला इस मामूली ड्रेस का सोनी के आगे क्या मुकाबला? फिर इन सारी चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि मैं ये सब अफोर्ड कर सकती हूँ। नताशा बीबी, इतना गुरूर मत करो, अल्लाह ताला को बुरा लग जाएगा। अच्छा बस बस, अब तुम मुझे नसीहतें मत करो। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें नसीहतें नहीं कर रही, एक बात समझा रही हूँ। पता नहीं ये कल कब आएगी। आ जाएगी, इतना बेकरार क्यों हो रही हो कल के लिए? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। बाबा क्या बात है, आप थके थके लग रहे हैं मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप डॉक्टर? नहीं पापा, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? मुझे पता क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ मैं ठीक हूं, तो मेरे लिए चाय बनवाओ, मैं चेंज करके आता पापा।
आप सोए क्यों नहीं अभी तक? बस ऐसे। परेशान है ना? कोई बात तो जरूर है जो आप उनसे छुपा रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूं बेटा। आप कहते हैं कि मैं आपकी दोस्त हूं, तो क्या अपने दोस्तों से बातें छुपाई जाती हैं? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ऐसी कोई बात नहीं? हाँ, वो कल जब मैं औसाफ से बात कर रहा था तो तुम मुझे कुछ कहने लगी थी, क्या बात थी? जब आप अपनी बात मुझसे छुपाएंगे तो मैं क्यों बताऊं? अरे तो क्या अब हमारी बेटी दोस्ती के लेवल पे आके बात करेगी, बराबरी में? अच्छा मुझे टाले मत, बताएं क्या बात है? क्या करोगे पूछ के? बिला वजह परेशान हो जाओ। आप अकेले यूं ही घुटते रहेंगे। पापा अगर मम्मा होती ना तो शायद मैं आपको इतना इंसिस्ट नहीं करती। अगर आपके पीछे कोई नहीं है जिससे आप अपनी दिल की बात शेयर कर सके। है ना वाइस है ना, वो अभी छोटा है। अरे तो तुम कौन सी बड़ी हो गई हो? ठीक है मत बताए, मैं जाके औसाफ अंकल को फोन करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि आप परेशान हैं और बता भी नहीं रहे। रुको रुको, उसे सब मालूम है। अरे बेटा बिजनेस में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और फिर सॉल्व भी हो जाते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। कोई बड़ी बात है ना? कैसे समझाऊं, ये अप डाउन होता रहता है। तुम परेशान क्यों हो रही हो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ मेरी गुड़िया, जाके सो जाओ। जाओ आप भी सो जाएं। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। ये कहाँ ले जा रहे? ये जोनी बाबा के कमरे में, आज वो आ रहे हैं जी। मुझे दो ये। मगर ये तो जोनी बाबा के लिए है। तुमने सुना नहीं, ये गुलदस्ता मुझे दो। और एक बात याद रखना, सोनी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये तुमने बनाया, ये मैंने बनाया। अब जाओ। सब कुछ वैसा ही है जैसे हमेशा होता है, हसीन, दिल फरेब, दिलकश। ठंडी शफाफ हवा, ये सरसब पहाड़ियां, ये झरने, ये छोटी छोटी वादियां और घरों से उठता धुआं, लेकिन तुम नहीं। जब तुम भी यहां आ जाओगी तो इन सब चीजों का हुस्न कितना बढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। भाई खैरियत है, तुमने इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे बुलाया? मैं कल से बहुत परेशान हूँ। पापा को कोई परेशानी है लेकिन वो बता ही नहीं रहे। मैंने जिद भी की लेकिन तब भी नहीं बता रहे। और मैं जानती हूँ कि आपको सब मालूम होगा, पापा आपसे कुछ नहीं छुपाते। जानकर क्या करें? I don't know, लेकिन एटलीस्ट मोरल सपोर्ट तो कर सकती हूँ।
बैठने के लिए नहीं कहोगी? सॉरी, बैठे ना प्लीज। देखो, तुम्हारे वालिद ने बैंक से लोन लिया था जिसको वो वापस नहीं कर सकता था, इसलिए ये घर और ऑफिस बिकने की नौबत आ गई। देखो, तुम परेशान होगी ना, उस्मान इसीलिए तुम्हें नहीं बताता था। मुझे नहीं पता था कि पापा ने इतना बड़ा लोन लिया था। क्या उस्मान तुम दोनों बहन भाइयों से अपने प्रॉब्लम शेयर करता है? नहीं, और हमेशा अपने बिजनेस के बारे में अच्छा ही बता देते। शायद उस्मान तुम दोनों से इसलिए छुपा रहा है कि फायज अभी बहुत छोटा है और तुम एक लड़की हो। वालेकुम अस्सलाम, हाउ यू बॉय, कहाँ की तैयारी है? दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, शाम तक घर वापस आ जाना। कल तुम लेट आए थे, मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारी वजह से। जी ओके, बाय। बहुत प्यार करती हो फैज? जी, एक ही तो भाई है मेरा। इसकी पैदाइश के बाद जब मामा का इंतकाल हुआ तो मैं 12 साल की थी। फिर पापा और मैंने जुलेखा बी की मदद से इसे पाला था। जानता हूँ, लेकिन अगर उस्मान का कर्ज अदा ना हुआ तो सब सड़क पे आ जाएंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? देखो, मैं गलत नहीं कह रहा, ऐसा होने वाला है, और उस्मान इसीलिए तो परेशान है। क्या कोई हल नहीं निकल सकता इस मसले का? हाँ, बहुत मुश्किल रास्ता है, तुम शायद इस पर ना चल सको। आप मुझे कमजोर ना समझे, मैं अपने पापा और भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो, जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन क्या करूं, मैं दिल के हाथों मजबूर हूं और इस सारे मसले का हल निकल सकता है अगर तुम मुझसे शादी करो तो। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ना था, मैंने कहा था ना कि सब कुछ तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। चलता हूँ। एक मिनट, मुझसे शादी करके इस मसले का हल क्या निकलेगा? उस्मान का सारा लोन जो है वो मैं अदा कर दूंगा और ये घर और ऑफिस जो है बिकने से बच जाएगा। लेकिन आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? तो आपके बेटे की उम्र की हूँ। बेटी तो नहीं हूँ ना, तो क्या करूँ, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला तुम मुझे कब अच्छी लगने रखी। देखो, ये सब कुछ जानबूझ के नहीं हुआ, मैं बस अनजाने में तुम्हारे बारे में सोचने लग पड़ा। यकीनन तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, बल्कि बुरा भी लग रहा होगा, और तुम्हारी जैसी सुलझी हुई लड़की मेरे अंदर और तिश्नगी बढ़ाने लगी है। ये बीबी के अंदर खामियां तो थी, लेकिन जब से तुम्हें देखा है मुझे उसके अंदर और मजीद खामियां नजर आने लग गई हैं। मैं तो अपने आप को दुनिया का बदनसीब इंसान समझने लगा जब से फौजिया मेरी जिंदगी में आई। तो आपने ये कमी पूरी करने के लिए मुझसे शादी कर, ये जानते हुए कि मेरा बाप मकरूस है, अपने बच्चों समेत बेघर होने वाला है, ताकि मैं मजबूर हो के सर झुका दूं आपके सामने? देखो, मैं किसी की मजबूरी खरीदना नहीं चाहता, मगर क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। और
तुम मजबूर नहीं हो। अगर तुम ऐसा नहीं चाहोगी तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। रिलैक्स। इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना। हाँ वो तो हो रहा है, लेकिन ये मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? बाजी आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं? आप तो अच्छी तरह अपने बेटे की आदत से वाकिफ है, तो बचपन से आशिक है ऐसे मनाजिर का। ज़रूर रुक गया होगा किसी जगह पर और वो रुकते हुए ही आएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बहुत देर हो गई ना, अब तक आ जाना चाहिए था उसे। उसकी फ़्लाइट तो कब की आ चुकी है, इस्लामाबाद से यहाँ तक आते हुए इतना वक्त नहीं लगता। तौबा है नताशा, तुमसे भी एक घंटे में तीसरी बार पूछ रही हो तुम ये बात। जाहिर सी बात है, वो सुबह से इतनी बेताबी से उसका इंतजार जो कर रही है। हाँ अम्मी, सिर्फ यही तो इंतजार कर रही है, हम सब तो यहाँ पागल हैं। मेरा ख्याल है वो आ गया। लो जी, हो गई सारों की ख्वाहिश पूरी, खुश। फाइनली आ गया जुहैर। मेरा बच्चा, मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आ गया था। खाला से भी मिलो। कैसे है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। मैं रुकते रुकते आ रहा था। देखा मैंने क्या कहा था, ये रुकता हुआ ही आएगा। रास्ता इतना खूबसूरत था, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाता। अच्छा ये बताओ, खुद तो ड्राइव नहीं ना की? अरे नहीं, ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, लेकिन कितनी खूबसूरत वादी है ये। आपको पता ही नहीं चला, कोई आपके इंतजार में यहाँ एक एक घड़ी गिन रहा था। आपसे किसने कहा था इंतजार करने के लिए? हमारे दिल ने। चाचू और शेरी नजर नहीं आ रहे, जबकि मैंने शेरी को फोन करके कहा था कि मैं आ रहा। बेटा वो खालिद भाई तो इस्लामाबाद गए किसी जरूरी काम से, और शेरी तो इधर ही था। ए लो, वो आ गया। Assalamualaikum, Zuhair, I'm so sorry यार। असूलन जो है ना, वो मुझे हार और फूल लेकर तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था, एक बहुत जरूरी काम में फंस गया था। मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम? तुमसे कोई जरूरी काम हो सकता है? लग तो ऐसे ही रहे, तुमने इंतजार तो किया नहीं मेरा। अच्छा इंतजार कैसे किया जाता? मैं बताती हूँ भाई, जैसे सुबह से ये कर रही थी, इसकी तो एक टांग कभी किचन में होती थी, कभी तुम्हारे कमरे में। कहीं जुहैर को ये ना चाहिए, कहीं जुहैर को वो ना चाहिए। अभी भी 10 दफा मुझसे पूछ चुकी है, कितनी देर हो गई, जुहैर आया क्यों नहीं है? वो दादो नजर नहीं आ रही, दादो कहे? दादो बेटा तुम्हारी खैरियत के लिए ना अंदर बैठी नफल पढ़ रही है। मैं दादो से मिलूं, अम्मी खाना लगा दे। अच्छा ठीक है, मैं लगाती। चलो हम भी तैयारियां करते। हाँ हाँ, आओ आओ। अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो दम नहीं निकल जाता तुम्हारा? दिल नहीं चाह रहा। बहुत ही बेशरम लड़की, बचपन से कभी नहीं सुधर सकते थे। अस्सलामुअलैकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। देख ले दादो, आपने दुआ मांगी और मैं आ गया। मुझे बहुत याद कर रही थी ना।
अपने बच्चे को भला कौन मिस नहीं करेगा? कसम से दादू, मैंने भी आपको बहुत मिस की। झूठे, अपने दोस्तों में बूढ़ी दादू को कौन याद रखेगा? दादू जितने भी दोस्त हो जाए, आपसे अच्छा कोई दोस्त है मेरा? जब बीवी आ जाएगी ना फिर पूछूंगी। अरे दादू उसको जरा आने तो दे, आपकी इतनी खिदमत कराऊंगा कि वो भी याद करेगी। खबरदार जो मेरी बहू से कोई खिदमत ली, अरे रानी बनकर आएगी वो। हाँ दादू आने से पहले ही बिगाड़ते हैं उसे। कोई है क्या? अब क्या सारी बातें भी करनी है? अच्छा चलो दादू बाहर सब आपका वेट कर रहे हैं। खुद तो बातों में लगा दिया। चलो तुम जाओ, मैं नमाज खत्म करके आती हूं और मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है। पापा, आपकी कॉफी। तुम्हारी कॉफी का मूड नहीं है मेरा। तुम और कॉफी का मूड नहीं, हैरत की बात। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? इंसान का मूड तो कभी भी बदल सकता है। टेंसो? जब आप इतने परेशान हैं तो मैं कैसे नॉर्मल रह सकती? अच्छा बेटा, तुम मुझसे कोई बात करना चाह रही थी, मैंने कल भी पूछा, तुमने टाल दी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। जब तुम्हारा मूड हो, तुम्हारा दिल करे, तुम खुद ही मुझे बता देना, ठीक है? और आप कब बताएंगे मुझे? क्या यही क्या आपको अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है? आपका ऑफिस और हमारा ये घर दोनों बिकने वाले हैं? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। पापा झूठ मत बोले, यही सच है। क्या तुम्हें औसाफ ने बताया? जाहिर है, जब आप छुपाएंगे तो कौन बता सकता है? परेशानी वाली कोई बात नहीं है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, ठीक होने वाला वक्त गुजर चुका है। पापा क्या आपके पास इसका कोई हल है? सारी कोशिशें कर चुका हूं, देखें। पापा अगर ऐसा हो गया तो हम कहां जाएंगे? इसकी फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह कोई मौजज़ा कर देगा। हमारे पास और कितना वक्त है? तीन दिन, सिर्फ तीन दिन। आजो। अरे आओ बेटा आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे? वो मैं शेरी के पास बैठा हुआ था।
कितने दिनों के बाद तुम्हें फुर्सत मिली है। चलो शुक्र है अब आराम से यहाँ रहोगे, वरना तो भागम भाग आते हो और भागम भाग चले जाते हो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे कमाल है, मुझे भी तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी थी। क्या? नहीं पहले तुम बताओ। अम्मी मैं शादी करना चाहती। शादी? कमाल है, यही बात तो मैं तुमसे करने वाली थी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ कराची चलना पड़ेगा। कराची? कराची क्यों? क्योंकि वो कराची में रहती है। कौन वहां रहती है? जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। सुनी तुम्हारा दिमाग तो सही है। हम गुस्सा क्यों हो रही है? मैं जिसे पसंद करता हूँ, जिसे शादी करना चाहता हूँ, वो कराची में, इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी शादी यहीं होगी और नताशा के साथ होगी। तुमने किसी और के साथ शादी करने का सोचा भी कैसे? अम्मी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं नताशा से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बस नहीं कर सकता, और वजह मैं आपको पहले ही बता चुका। जूनी मैं अपनी बहन को जबान दे चुकी हूँ, और ये तुम्हारे वालिद मरहूम और चचा मरहूम की ख्वाहिश भी थी। यदि मेरी ख्वाहिश तो नहीं है ना। अरे कमाल है, तुम्हें अपने बाप की ख्वाहिश का जरा भी एहतराम नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे नताशा पसंद ही नहीं। हाँ और तुम उससे शादी करना चाहते हो जिसे मैं नहीं जानती। तुम्हारा नाम और पैसा देखकर पसीज गई होगी। अम्मी उसकी नीयत पे शक मत करें, उसको तो पता भी नहीं मेरा किस खानदान से ताल्लुक, और वो खुद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी। होती रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर तुम्हारी शादी सिर्फ नताशा के साथ होगी। कान खुलकर सुन लो। और मैं भी आपको एक बात बता, नताशा से तो मैं शादी किसी सूरत नहीं करूंगा।